नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल वासियों को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का दिया तोहफा, कई कार्यक्रमों में की शिरकत। फरीदाबाद के कारखाना बाग कंपनी में बॉयलर फटने से फैली सनसनी, एक मजदूर को आई गंभीर चोट। फतेहाबाद में धूमधाम और श्रद्धा से मनाया गया महाशिवरात्रि का पर्व, सुबह से ही शिवालयों में जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज करनाल वासियों को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का तोहफा देने के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। मुख्यमंत्री आज सुबह ही करनाल पहुंच गए, जहां उन्होंने शहर के मंगलसेन सभागार में आयोजित कार्यक्रम से 34 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे पश्चिमी बाईपास और शेरगढ़ टापू से मोदीपुर तक बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। इसी के साथ उनके द्वारा करनाल नगर निगम के लिए कचरा ढोने वाली 30 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों का भी खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फंसे हरियाणा के विद्यार्थियों को जल्द से जल्द वापस लाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 8 दिन पहले ही चंडीगढ़ में एक कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया था, इसके साथ ही अब मुंबई एयरपोर्ट पर भी एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इसी के साथ हरियाणा में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को प्रतिबंधित करने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एनजीटी की गाइडलाइंस के अनुसार एनसीआर इलाके में इन वाहनों को प्रतिबंधित करने की बात की गई थी। इसके तहत अभी केवल गुरुग्राम में यह नियम लागू किया जा रहा है। भोले बाबा के कृपा और आज शिवरात्रि के कार्यक्रम के नाते से जैसे करनाल में हर वर्ष की भांति इस बार भी जो शोभा यात्रा निकलेगी, सभी लोगों के दर्शन में करने जाऊंगा। दिन भर में यहाँ रहने का मेरा जो कार्यक्रम बना है उसमें कुछ लोग मिलने वाले भी थे। अभी रेस्ट हाउस में लगभग 30 लोगों के साथ मेरी जो बातचीत हुई, उनके कुछ काम, उनकी कुछ समस्याएं, उसके हल के लिए सारे विषय किए। और देखिए, हमने अपने यहाँ एक कंट्रोल रूम बनाया है हरियाणा का भी, जिसके अंदर फॉरन कॉपरेशन डिपार्टमेंट के सब लोग बैठे हुए हैं, और जितने लोगों का जो हमने ईमेल एड्रेस दिया है, जितना हमारे व्हाट्सएप के ऊपर लोगों की संपर्क हो रहे हैं, लगभग 700 लोगों से संपर्क हमारा हो चुका है, और उनमें से काफी लोग जो वापस भी आए हैं, लगभग 90 के आसपास लोग हरियाणा के वापस आए हैं। आज ही जो एक फ्लाइट मुंबई आई है, वहाँ भी कुछ लोग हरियाणा के हैं। तो चूंकि पहले तो हरियाणा के लोग सब दिल्ली की फ्लाइट्स में आए थे, आज हम वहाँ भी एक कंट्रोल रूम स्थापित कर रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर, ताकि बॉम्बे से दिल्ली और हरियाणा लाने में भी उनकी सुविधा हो सके। चूंकि हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वही सब चीज़ों को देखभाल कर रही है, 4 हमारे मंत्री 4 देशों में चले गए हैं, ताकि वहाँ से कोऑर्डिनेट करके उन सब लोगों को आसपास के देशों में लाया जा सके। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के कारखाना बाग आज कंपनी में बॉयलर फटने से सनसनी फैल गई। इस घटना में मौके पर काम कर रहे एक मजदूर को काफी गंभीर चोट आई है, जिसे फरीदाबाद से दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां घायल का इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। वहीं मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी राकेश की माने तो कंपनी में बॉयलर फटने से हादसा हुआ, जिसमें एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ। फिलहाल मौके पर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल बॉयलर के ज्यादा हिट होने से बॉयलर के फटने की बात सामने आ रही है, फिर भी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं कि किन तकनीकी खामियों के चलते बॉयलर फटा। कैथल जिला शिक्षा अधिकारी की शिकायत पर कैथल पुलिस ने पूर्व में रहे 4 जिला शिक्षा अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज किया। आरोप है कि इन्होंने नियमों की पालना के बिना विभाग के खातों से पैसे निकलवाए थे। जानकारी के अनुसार इन अधिकारियों ने 24 अगस्त 2012 से लेकर 2013 तक नियमों की पालना के बिना विभाग के खातों से पैसे निकलवाए। हालांकि इन तत्कालीन अधिकारियों के द्वारा बाद में पैसे जमा भी करवा दिए गए, लेकिन निकलवाई गई राशि और जमा करवाई गई राशि की समय अवधि के दौरान का ब्याज जमा नहीं करवाया गया। हालांकि उक्त अधिकारियों के द्वारा बाद में इस राशि को विभाग के बैंक खातों में जमा करवा दिया था, लेकिन बीते दिनों जब इसका ऑडिट हुआ तो इसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को दी गई। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारी को मुकदमा दर्ज करवाने और निकलवाई गई राशि के ब्याज की रिकवरी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने कैथल के पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी, और पुलिस अधीक्षक की शिकायत पर थाना शहर पुलिस ने धारा 409 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश का जिम्मा जांच अधिकारी गुरदान सिंह को सौंपा है।
हरियाणा के अंबाला में लिफ्ट मांगकर लूट की वारदातों को अंजाम देने वाला गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस की गिरफ्त में आए गिरोह ने 4 अलग अलग वारदातें भी कबूल की हैं। वहीं पकड़े गए लुटेरों से 3 मोबाइल और नकदी भी पुलिस ने रिकवर की है। लिफ्ट मांगकर शातिराना तरीके से लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले लुटेरे अंबाला पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। अंबाला पुलिस ने लिफ्ट मांगकर भोली भाली जनता से लूट करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। पकड़े गए लुटेरों ने 4 अलग अलग वारदातें भी कबूली हैं। पुलिस ने आरोपियों से 3 मोबाइल और नकदी भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस मामले की आगामी कार्रवाई में जुटी है। आज अंबाला योगा फेडरेशन के पदाधिकारियों ने जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर सतपाल को फेयरवेल पार्टी दी, जो पिछले 7 सालों से अंबाला में कार्यरत थे। अब उनका तबादला पानीपत डिस्ट्रिक्ट का हो गया है। अब उनके स्थान पर शशिकांत शर्मा जिला आयुर्वेदिक अधिकारी अंबाला के पद पर कार्यरत आज से ही हो गए हैं। शशिकांत शर्मा इससे पहले पंचकुला में कार्यरत थे। इस मौके पर डॉक्टर सतपाल को फेडरेशन के पदाधिकारियों ने एक मोमेंटो देकर सम्मानित किया और नवनियुक्त जिला आयुर्वेदिक अधिकारी शशिकांत शर्मा का स्वागत किया। इस मौके पर जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर सतपाल ने कहा कि वे पिछले 7 सालों से अंबाला डिस्ट्रिक्ट में तैनात थे। नगर परिषद कालका के संदर्भ में जननायक जनता पार्टी ने कालका पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एक बैठक बुलाई, जिसमें जिले के प्रभारी व जेजेपी प्रदेश महासचिव सतविंदर राणा, शहरी जिलाध्यक्ष ओपी सुहाग मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश प्रवक्ता व जिलाध्यक्ष भाग सिंह दमदमा ने की। बैठक में आगामी कालका पिंजौर नगर परिषद चुनाव को लेकर जेजेपी नेताओं द्वारा विचार विमर्श कर आगे की रणनीति तैयार की गई। जिलाध्यक्ष भाग सिंह दमदमा ने बताया कि जननायक जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ कालका पिंजौर नगर परिषद चुनाव लड़ेगी। दमदमा ने बताया कि पार्टी के पास सभी वार्डों से आवेदन आ गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता करते हुए प्रदेश सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध के चलते हरियाणा के जो विद्यार्थी वहां फंसे हुए हैं, उन्हें सरकार को जल्द से जल्द भारत लाना चाहिए। इसके साथ यदि युद्ध लंबा चलता है तो उन बच्चों की पढ़ाई को लेकर भारत में इंतजाम किए जाने चाहिए। कुलदीप शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को प्रतिबंधित करने का जो फैसला लिया है, वे सरासर निंदनीय है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम के चलते किसानों को भी बड़ा नुकसान होगा। मैं सारे देश की बात करूं, खासतौर पर हरियाणा की, इसलिए कर रहा हूं कि हरियाणा के एक प्रांत के सब लोगों की संख्या सबसे ज्यादा 2000 के करीब है। पर केवल युद्ध अपनी चरम सीमा पर है, 903 आदमी आज तक की सरकार के फिक्र के हिसाब से आए। संकट गंभीर है, हम सरकार के साथ हैं। जब भी देश का सवाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आता है तो हम देश के और सरकार के साथ रहते हैं, राजनीति नहीं, देश के साथ। तो मेरा प्रधानमंत्री जी से और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो अपने गुड ऑफिसेस को यूज करके यूक्रेन में फंसे हरियाणा और देश के छात्रों का न केवल उनको सुरक्षित वापस लाने की बात करें, लेकिन 2-2, 3-3 साल से वहां पर लोग आखिरी ईयर में भी थे MBBS के, उनकी पढ़ाई का जो इतना बड़ा खर्च उसके उनके पेरेंट्स ने किया, उसका भी पता नहीं युद्ध कितने दिन चले, शांति कब लौटे और उनका कैरियर ना तबाह हो जाए, इस पर भी सरकार सुनिश्चित करके को बयान दे। क्या ये जो छात्र लौटे हैं और अगर युद्ध लंबा चल गया तो क्या इनको भारत के मेडिकल कॉलेजेस में अपनी शिक्षा पूर्ण करने का अवसर दिया जाए? भाई तो हजारों लोगों का, हजारों बच्चों का भविष्य खराब हो गया। तो उनके न केवल सुरक्षा की चिंता है बल्कि उनके भविष्य की चिंता भी है। महाशिवरात्रि का पर्व आज बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिवालयों में शिव भक्तों का हजूम और गूंजता बम बम बोली और हर हर महादेव के उद्घोष ने पूरे माहौल को शिवमय कर दिया है। कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों से मंदिरों में आयोजन फीके पड़े थे, मगर इस वर्ष कोरोना से राहत के बाद मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और शिव अभिषेक कर भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं ने यूक्रेन में चल रही रूस और यूक्रेन की लड़ाई के समाप्ति और वह अमन बहाली की कामना भी। शिवालयों में आज सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। 24 घंटे चलने वाली पूजा में हरिद्वार से कांवड़ लेकर आए कांवड़िए गंगा जल अर्पण करेंगे। मंदिरों में पूजा अर्चना करने आए श्रद्धालुओं का कहना था कि महाशिवरात्रि का ये पर्व मनोकामना पूरी करने वाला होता है।
फिलहाल हरियाणा न्यूज में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।